अब सेकंड पुल चालू हो गया। देखो अब एक और पुल चालू हो चुका है, लगभग हम सारी तरह घूम के आ गए पूरा। इसके बाद में जाएंगे कुछ खाएंगे। हमारा नाश्ता हो गया, देखो नाश्ते में एक तो है पिज़्ज़ा और ये अमूल वाली दूध। अमूल अंकल को पैसे देते हैं, एक तो पिज़्ज़ा जी। हाँ एक पिज़्ज़ा हो गया अंकल, दो दूध का बोतल हो गया, एक सौ चालीस। हाँ 145, ठीक है तो काट लो आप तो आओ। हाँ भाई हमारा हो गया, हर प्रकार की वैरायटी यहाँ पे उपलब्ध है आपको। कहाँ बैठोगे यार, खुला हुआ है तो। एक बार नाथ बाबा का मंदिर है और ये एक गुफा पूरी कंप्लीट होगी, तीन गुफा कंप्लीट हो चुकी है, आराम से तीन गुफा देख चुके हैं हम लोग। ये रही सामने, इनके अंदर गुफा बनी हुई है, एक तो ये रही, एक इसके अंदर और एक ये रही इसके अंदर गुफा है। इसके अंदर आप हम जाके आ गए तीनों के अंदर फाइनली है। सामने अभी कार्य चल रहा है, लगभग हर साल यहाँ पे, आपको मैं बताया था ना वीडियो में, जैसे हर साल कार्य यहाँ पे लगभग चलता रहता है। देखो ये चल रहा है सामने, देखो और ये सामने आपको दिखाता हूँ मेन दरवाज़ा, ये सामने है। देखो ये है सामने मेन दरवाज़ा यहाँ का अबुआ धाम का। ये अर्जुन बैठा है रथ पे और श्री कृष्ण जी सामने आप। तो ये यहाँ का छोटा सा मार्केट है आपके सामने। तो यार अब चलते हैं हम ऊपर की ओर, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे सबसे पहले, देखो ये है ऊपर घूमने के लिए। देखो ये अग्रवाल जो होते हैं ना आप लोग खेते हैं, महाजन लोगों की जन्मभूमि, तो यहाँ पे उन लोगों के बारे में लेख पूरा पड़ा हुआ है। ये महाराजा अग्रसेन जी के ऊपर निर्मित है, तो आपको आगे दिखाता हूँ। तो अब तो आइए चलते हैं अंदर। तो हम चलते हैं, हम ये हमारा मामा का लड़का है, देखो अर्षित भाई बोल रहे। तो अब देखो आगे ऊपर, देखो डिजाइन अलग अलग प्रकार की यहाँ पे आपको मिलेगी। तो ये देखो बिल्कुल शांत, तो यार देखो बिल्कुल शांत है यहाँ पे, बैठने की व्यवस्था आप सभी लोगों के लिए। कैमरा देखो सामने महाराजा लक्ष्मी माता के, लक्ष्मी माता का मंदिर है ये सामने। ये सामने लक्ष्मी माता का मंदिर है। देखो सामने अग्रसेन जी महाराज, देखो आपके सामने पापा मेरा, देखो पापा मेरा थोड़ा मजाक उड़ा रहे हैं कि इनको उनको पूछ लो ये कैसे बताएंगे मेरे को। ये रहे अग्रसेन जी महाराज आपके सामने, ये अग्रसेन जी महाराज। ये राधा कृष्ण जी, ये रही वो पर्चा जहाँ पे महाराज अग्रसेन जी के द्वारा यहाँ पे न्याय कुछ न्याय के लिए सभा लगती थी पंचायत, वो आपके सामने देखो किस टाइप के अंदर है। यहाँ पे देखो सभी खड़े हैं। ये सामने आपके सामने विष्णु जी महाराज की प्रतिमा, देखो किस टाइप के अंदर। ये देखो इसको क्या बोलते हैं पापा, लक्ष्मी नारायण, इसको इना, क्या इन सब बाबा क्या बोलते हैं बताओ।
इन लोगों को भी नहीं पता क्या बोलते हैं, मेरे को भी नहीं, आप कमेंट में बताना क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो अगुआ धाम के मास्टर प्लान जो यहाँ पे देखो महालक्ष्मी आरती के बारे में, यहाँ का नक्शा जो सामने आपको नक्शा दिखाई देगा किस प्रकार आना आपको, ये ऊपर क्या पैसे हैं बाबा, ये सामने आपको देखो उधर से एकदम सुंदर। मैं अभी कितनी तीसरी बार आया हूँ यहाँ पे, पहले ब्लॉकिंग नहीं करता था, अब ब्लॉकिंग चालू किया तो मैंने सोचा कि यहाँ आके यहाँ का भी वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को पसंद आए तो। हमारे साथ हम पापा भी है और मामा जी का लड़का है जो हमें साथ लेके आया है। तो यार अभी प्यास लग रही है तो हम लोग पानी पियेंगे यहाँ पे आके। देखो पानी की व्यवस्था है मंदिर के अंदर, आपको मंदिर के अंदर पानी की व्यवस्था मिल जाएगी। देखो इसमें पानी नहीं है, उसमें पापा उसमें से डाल दो थोड़ा। देखो ये अब ऊपर जाने के लिए जो ये गुम्बद ऊपर आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसके अंदर गुफा बनी हुई है यहाँ पे, देखो आपको दिखाता हूँ अंदर चल के। देखो देखो ये रही गुफा, सामने आपको गुफा दिखेगी एकदम, ये अलग है सबसे अलग। तो ये यार कारीगर इन लोगों ने इस तरह डिजाइन किया है ये जगह, आपको जो हमारे आसपास में नहीं होते मंदिरों के ऊपर वो गुम्बद होते हैं, इस गुम्बद के ऊपर इन लोगों ने गुफा बना दी। तो इन लोगों ने यहाँ पे गुफा बनाई है, तो अब देखते हैं यहाँ पे। तो देखो यार मैं चल रहा हूँ गुफा के अंदर, यहाँ पे तीन गुफाएं और हर साल यहाँ पे काम चलता रहता है, हर साल के अंदर हर रोज एक मिनट लगती है यहाँ पे। देखो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे, देखो तो यहाँ पे कोई भी आने जाने की कुछ भी टिकट नहीं लगती है। देखो पापा आके बैठ गए आराम से यहाँ पे, यहाँ पे कोई भी बिल्कुल टिकट नहीं है, फ्री है सब आना जाना। टाइम कितना है सुबह से यहाँ पे शाम तक? 8 से 7 यहाँ पे है सुबह 8 से और शाम तक 7 बजे तक खुला रहता है, उसके बाद ही बंद हो जाता है। भाई देखो अब चलते हैं गुफा के अंदर, ऊपर रास्ता ये जाने का यहाँ पे बिल्कुल फ्री है, कुछ भी कॉस्ट नहीं है, बिल्कुल फ्री आ सकते हो आप लोग यहाँ पे आराम से। यहाँ पे अगर सेन जी महाराज के पूरा दर्शन, कुछ भी फीस नहीं है यहाँ पे किसी के बेकाऊ में मत आना, और बिल्कुल फ्री आप आ सकते हो, घूम सकते हो, एंजॉय कर सकते हो आराम से। तो हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं आराम से।